जिस दिन पुलिस वालों की दुर्दशा देख लीजिएगा रोने लगिएगा। उनसे ना जबरदस्ती बेईमानी कराया जाता है। फौज में मार दो किसी को, सोचो हमारा सीनियर राष्ट्रपति से लड़ जाएगा, इधर आप ही का सीनियर आपको सस्पेंड कर गए। सपोज कीजिए कोई गंगा नदी में डूब गया, हम लोग क्या लॉ एंड ऑर्डर भी समस्या है। रात 2 बजे भी अगर किसी को अकेले सड़क पे जाने में डर नहीं लगता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। यहाँ पे आप यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर भोर में 4 बजे ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पे उतार दी या जंक्शन पे उतार दी तो स्टेडियमों के पास उसका मोबाइल छीन लेता है सब। और हद तब हो गया कि एक विद्यार्थी का मोबाइल छीना था ना, तो मोबाइल जानते हैं कैसे मिला? इस एरिया में हम 4-5 तो गुंडा सबको जानते हैं, मतलब दबंग टाइप का, उससे बोले तो वो कहा कि हम पता कराते हैं कौन छीना होगा, और छीनवा जो उसको दे दिया। पुलिस स्टेशन में गए रहते तो नहीं मिला होता, क्योंकि पुलिस को इतना वर्कलोड है। पुलिस को आपको हकीकत बोलते हैं, जिस दिन पुलिस वालों की दुर्दशा देख लीजिएगा रोने लगिएगा, इतना उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है, इतना 24 घंटा का ड्यूटी, ऊब जाइएगा वहां पे, ऊब जाएंगे एकदम। एक नॉर्मल इंसान से एक बहुत अच्छा आदमी या तो उससे पगला जाएगा, एकदम रूड हो जाएगा, देखते लाठी भांज देगा, या तो रिजाइन करके चल जाएगा। उनसे ना जबरदस्ती बेईमानी कराया जाता है। अब एक बात बताओ, कोई सपोज कीजिए कोई गंगा नदी में डूब गया, उसकी लाश मिला, एक रुपया नहीं आएगा लाश निकलवाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, पोस्टमार्टम, कौन लाश छुएगा जी? उसको पैसा देना पड़ेगा, कोई आएगा उठाएगा गाड़ी में ला देगा, पोस्टमार्टम में ले जाएगा, उसका रिपोर्ट लगा, कोई पैसा वैसा नहीं। मैनेज करिए, भाषा है पुलिस में, मैनेज कीजिए। उन बेचारों से जबरदस्ती मेहनत कर, आप होता क्या है ना कि आप पुलिस वालों को बड़ा दूर से देखे हैं, और देखे भी होंगे तो एक मन में डर रहता है अरे फंसा देगा बेकोनो केस उसमें। हम लोग बहुत करीब से देखे हैं, एकदम अजीब, मतलब देख के अजीब सा लगता है यार क्या समझ रहे थे इनको, भैया कैसे ये सब झेल रहा है सब। आर्मी वालों के पास हर सुविधा है, उनका हथियार भी वैसा है, एक गोली चल ज्यादा बैठे गोली चला देंगे, यहां तो नहीं वो लाठी मारिए ना, पता चला विधायक का है, आप ही का एसपी आप ही को सस्पेंड कर देगा, आप ही का सीनियर आपको सस्पेंड कर देगा। फौज में मार दो किसी को, सोचो हमारा सीनियर राष्ट्रपति से लड़ जाएगा। फौज में ये चीज होता है, आप ही का सीनियर आपको सस्पेंड कर गए, मंत्री जी को मारा तो होता है, सबका वर्कलोड क्या होता है अलग अलग होता है।